नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में आज घर के अंदर से मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया। पिथौरागढ़ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस गंगुलियार थाने में बेतिया बिहार निवासी रामदेव दास ने घर से किसी अज्ञात द्वारा मोबाइल चोरी होने की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर IPC की धारा 380 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले को लेकर उप निरीक्षक हरीश सिंह, हेड कांस्टेबल नरेंद्र राणा, कांस्टेबल नरेंद्र देवपा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जानकारी जुटाकर चोरी के आरोपी गणेश बोरा निवासी कुआकोट बैतड़ी नेपाल हाल सिल्थाम पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया गया। अल्मोड़ा SSP रचिता जुयाल के आदेशानुसार जिले में पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर चलाया जा रहा अभियान जारी है, जिसके तहत सल्ट क्षेत्र में पुलिस ने बीते 9 जुलाई 2021 को 4 व्यक्तियों के कब्जे से 10.339 किलोग्राम गांजा बरामद कर NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पूछताछ में आरोपियों ने गांजा जयसिंह निवासी पंगलवाड़ी सल्ट से खरीद कर लाना बताया गया। मामले के विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक मनोज कुमार द्वारा गहनता से विवेचना करने पर पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए बीते दिनों से फरार चल रहा था। बीते दिवस पुलिस टीम द्वारा आरोपी के घर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र व कांस्टेबल मंसूर शामिल थे। पिथौरागढ़ के धारचूला के सुवा ग्राम पंचायत की तो खेम में अपने चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने बीते देर सायं गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ मृतक के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बीते रविवार को खेम तो में रूप सिंह पुत्र मदन सिंह उम्र 29 वर्ष व चचेरे भाई देवेंद्र सिंह पुत्र खुशाल सिंह के मध्य किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जो बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट के दौरान रूप सिंह की मौत हो गई थी। देवेंद्र सिंह फरार हो गया था। मामले को लेकर मृतक के पिता ने धारचूला थाने में आरोपी देवेंद्र सिंह के खिलाफ तहरीर दी थी। थानाध्यक्ष KS रावत ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी थे। बीते देर सायं पुलिस टीम ने आरोपी देवेंद्र सिंह को धारचूला के तपोवन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है। दो बाइकों की आपस में जबरदस्त टक्कर से बाइक में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की गंभीर हालत देखते हुए उसे चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। बागेश्वर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बैजनाथ क्षेत्र में टीट बाजार के निकट दो बाइकों की टक्कर की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से बाइक दुर्घटना में घायल हिमांशु बसवाल निवासी भगरतोला उम्र 20 वर्ष, चंदन बोरा निवासी भगरतोला उम्र 21 वर्ष और दीपक लोबियाल निवासी खरेई उम्र 19 वर्ष को प्राथमिक उपचार के लिए बैजनाथ CSC लाया गया। चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दीपक की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। दो अन्य घायलों का उपचार बैजनाथ अस्पताल में जारी है। पुलिस द्वारा घायलों के परिजनों को घटना की सूचना दी। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। CBSE व UK बोर्ड तथा समस्त पब्लिक स्कूल की पुस्तकें, रिफ्रेशर, NCERT कॉपी, स्टेशनरी, स्कूल बैग थोक रेट में प्राप्त करें। शहर का एकमात्र थोक प्रतिष्ठान मनोज जर्नल स्टोर, पुस्तक विक्रेता, खड़ी गली टकाना रोड, पिथौरागढ़। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। Thank you.
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।